अंडे तो मेरे ख्याल से मिलने वाले आते हैं, किसी को कभी दवा की शिकायत है तो ले जा भैया तेरा काम। वो भी ये चीजें भी यूज में आती है कि दवाइयों के रूप में भी इसको काम। जो अंडा है ना वो तो दमा, जिसको दमा है जी उसके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, और उनके लिए मैं फिर पैसा नहीं लेता हूँ, किसी से नहीं लेता हूँ। जो अपने मिलने वाला आ गया, अपने फॉर्म पे आ गया जी, मुझे मेरे फादर की तबीयत गड़बड़ है, मेरी मदर को ये बीमारी है तो मैं ले जा, ये अपनी तरफ से कर रखा है। बिल्कुल, खरगोश पालने के लिए को ले जाता हूँ, उनको फ्री देता हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एक्सप्लोर विद जीपी पे। और हर बार की तरह इस बार भी एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और राजहंस जो कि बत्तख पालन या डक फार्मिंग जिसे बोला जाता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। क्या इसको बिजनेस पर्पज से किया जा सकता है? और एक फार्म पे आया हूँ, वो फार्म हमारे मिलने वाले का ही है, तो उसी से मेरे को एक आइडिया आया कि मैं आपको ये चीज बताऊं कि यहाँ पर जो है वो राजहंस जो है उसका पालन होता है और वो हम आपको दिखाएंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सीधा आपको फार्म के अंदर लेके जाऊंगा, तो बने रहे। सर जी नमस्ते। नमस्ते 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 सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें। गोविंद जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह चारण है, जिला पोस्ट निमाज है, डिस्ट्रिक्ट पाली में है और राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान से हैं और पूरा इन्होंने बता ही दिया। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आप जो है राजहंस काफी सालों से शौक कर रहे हैं और मैं भी काफी टाइम से आपके फार्म पे आ रहा हूँ। जी जी, कितने साल हो चुके हैं इसको? तकरीबन 10 साल से राजहंस का शौक है मुझे, पालन करता हूँ। उस समय कितने जोड़े थे आपके पास? शुरू शुरू में तो एक जोड़ा लेके आया था, फिर थोड़ा आनंद आया, फिर दो लिए, तीन लिए। अच्छा, तो ऐसे जो है कि एक जोड़ा लेके आए थे, वो शौकिया तौर पे लाए थे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हंस ये जो बत्तख पालन है ये शौक के तौर पे किया जा रहा है। तकरीबन जो भी इसका पालन करते हैं वो शौकिया रूप में करते हैं। शौकिया रूप में करते हैं जी जी। तो अपने पास अभी प्रेजेंट टाइम में कितने जोड़े? मेरे पास में तीन पैर है, तीन मेल है, तीन फीमेल है। तीन मेल और तीन फीमेल है। और कितने आपने बताया 10 साल से आप इसको रख रहे हैं? तो जब जो बढ़ते रहते हैं तो कई मिलने वाले ले जाते हैं। हाँ, इनको लेके कौन जाते हैं आपके यहाँ? जो भी फार्मर है, जो अच्छा फॉर्म है किसी का। जो और ज्यादातर ये मतलब मैंने सुना है कि शौक की चीजें तो एक दो मंगवाते रहते हैं। मंगवाते रहते हैं है ना सर? जी जी। तो अब हम देखेंगे और थोड़ा बत्तख को दिखाएंगे, आप आ जाइए दिखाते हैं। सर इसमें जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ छोटे हैं इसमें ना? छोटे जो है वो मादा है। अच्छा, जो मतलब कि थोड़ी छोटी दिख रही है, साइज में छोटी दिख रही है वो मादा है। और ये जो बड़े दिख रहा है जैसे फर्स्ट में खड़ा है ये नर है। जी जी। ये अपना आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना? बिल्कुल सर, ये तो एज ए गार्ड का काम करता है। ये एज ए गार्ड का काम करता है बराबर। और कोई भी अननोन पर्सन अगर आपके फार्म के अंदर आता है, इतना जोर से चिल्लाएंगे, इतना जोर से उसके ऊपर अटैक करेंगे कि उसको बिल्कुल रुकना ही पड़ेगा, अंदर नहीं आएगा, डायरेक्ट अंदर नहीं आएगा। अच्छा, ये इनका अंडों का क्या रहता है सर, थोड़ा बताइए ना? अंडे क्या है, अक्टूबर से जनवरी महीने के बीच में अंडे देता है। अच्छा, और एक मतलब जोड़ा कितने अंडे? एडल्ट है, वयस्क है? अच्छा जोड़ा है। जो वयस्क है वो तकरीबन 15 अंडे से ज्यादा नहीं देते। ज्यादा नहीं देते, मैक्सिमम 15 अंडे। तो आप तो इतने टाइम से कर रहे होंगे आपने? बिल्कुल, अंडे हैच भी करवाए। हैच करवाए आपने अंडे? अंडे से बच्चा भी निकल जाता है। अच्छा, और राजहंस हर आदमी पालने की कोशिश नहीं करेगा जो शौकीन आदमी है। तो इनके खाने का मतलब क्या रहता है सर? खाने का इनका ऐसा है कि ये गार्डन लगा हुआ है, इसमें दो कटिंग करने की जरूरत नहीं हमें। अच्छा, ये जो है मतलब ये ऑटोमेटिक कटिंग कर लेते हैं, खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भी हम इनको रिचका खिलाते हैं, बाजरा खिलाते हैं, गेहूं खिलाते हैं, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल बिल्कुल खिलाते हैं। अच्छा, ये मैंने सुना है कि ये सांप और कीड़ों को उनको भी जो है खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक ये घूमेगी फिरेगी जी, किसी भी तरह से कोई सांप है, बिच्छू है, कोई तरह का अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा, करेगा तो उसको ये चट कर जाएगी। अच्छा, क्योंकि ये काफी जगह सुना जा रहा है कि भाई ये जो है बड़े जानवर जो होते हैं तो उनको उनको फार्म के अंदर नजदीक नहीं आने देते। जैसे भी गाइस देखिए, जैसे वो आए, अब वो आए तो ये चिल्लाने लग गए। बराबर बराबर। और ये मतलब जो मेल होता है वो जो मादा होती है उससे थोड़ा बड़ा होता है ना? बड़ा होता है, कांच के ऊपर जो एक मोटा सा ताज होता है। अच्छा, वो है नर, वो जैसे वो दिख रहा है नर के ऊपर दिख रहा है वो ताज है जो बिल्कुल वो है। चलिए, बहुत अच्छी। लोग जैसे आपके पास आए तो उन्होंने फार्मिंग पर्पस से कोई यूज में लिया है किसी ने? जी जी, फार्मिंग के पर्पस से ही लोग ले जाते हैं यहाँ से, जिन्होंने अंडे वगैरह निकलवाए हैं। अंडे है जो है, छोटे बच्चे हैं उनको ले जाते हैं, कोई एडल्ट है। तो आपने तो जैसे आपने हमारी बात जो हुई थी, काफी जगह आपने ये चीजें पहुंचाई है और
काफी शौकीन जो आपके फार्म पे आए हैं वो लेके भी गए। एक बार देखते हैं आपको फार्म का, अगर ढंग का फार्म जिसके बना हुआ है जी, तो ये सोचेंगे अपने फार्म हाउस से भी होना चाहिए। होना चाहिए। यहाँ अपने टब में पानी भरा है, पानी भरा तो ये पानी मतलब इनके लिए जरूरी है, इनके लिए जरूरी है। पानी में तो क्या होद पीछे बना हुआ है, ये तो अभी पीने के लिए रखा है। इनके लिए पहले एक बड़ा फार्म था आपने बता रहे थे, वहाँ कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ तब आप इनको यहाँ पे लेके आए ना। बराबर बराबर जी। तो ये पानी इनके लिए, पानी ही इनके लिए जरूरी होगी, अगर ये क्रॉस भी होगी तो पानी में ही होगी। अच्छा, इनका क्रॉसिंग जो ब्रीडिंग सेटअप है जो पानी में ही होगा, पानी के अंदर ही होता है, पानी के बाहर ये बिल्कुल कुछ नहीं। तो अच्छा, अभी इनको रात के टाइम रखने के लिए, जैसे ये तो अभी तो आराम से यहाँ पे खुला छोड़ देते हैं आप दिन भर के अंदर, और रात के टाइम जो, रात के टाइम भी कोई खतरा नहीं, कोई बिल्ली का किसी का खतरा नहीं, रात को भी ये खुले रहेंगे, खुले रहेंगे। फिर भी आपने इनके लिए कुछ केज बनवाया है, चलो वो दिखा देते हैं एक बार। पिंजरा बना रखा है, बस कहें कि केज दिखाते हम, एक छोटा सा पिंजरा बनाया हुआ है और ये ऑटोमेटिकली उसमें चली जाती है, चली जाती है उसमें। इनको मतलब वो रूटीन में है कि भाई वहां जाना है, वहां जाना है और वही। तो ये खरगोश जो आप लाए, ये कोई नस्ल के हैं या मतलब नॉर्मल इंग्लिश नस्ल है? ना, इंग्लिश नस्ल है, ये इटालियन है। इटालियन है ना जी। और इसमें भी ये कितने, 10 पीस से भी ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को। इनका क्या प्रोडक्शन करीब है? करीब 8 मादा है, 2 नर है, जो नर को अलग अलग रखना पड़ता है। अच्छा, वो साथ में रहेंगे तो बार बार ब्रीडिंग करेंगे? ब्रीडिंग नहीं, ब्रीडिंग करेंगे टाइम पे भी, और उसके अलावा ये परेशान ज्यादा करते हैं अपना आप, इसलिए क्या नरों को अलग ही रखा जाता है। अच्छा अच्छा, और बड़े अलग अलग कलर कलर्ड है, देखिएगा क्या है कि ये चीजें आपको एक जो बंदा शौक करना चाहता है। लाल आंख में ना, ये लाल आंख में जो है ये इटालियन है। इटालियन है ना। और ये आप इसको थोड़ा सा हाथ में ले सकते हैं क्या, एक बार लीजिए ना। थोड़ी अभी हाथ में ये पकड़ में नहीं आएंगे, एक बार कोशिश करते हैं ना सर। एक ये अब बताइए इसके बारे में, ये मेल है ना? मेल। अब ये मेल ज्यादा अग्रेसिव होने की वजह से आपने इसको अंदर अंदर रख रखा है ना? दो मेल होते हैं आपस में इस तरह से लड़ते हैं कि अपना आप में मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए दोनों मेल को अलग अलग पैक करके रखना पड़ता है। इनका, इनकी ब्रीडिंग भी हुई है अपने फार्म पे? बिल्कुल सारी है। अभी इनके करीबन 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे, 4 मादा, 4 मादों, किसी ने 3 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने 7-7। इतनी प्रोडक्शन होती है? प्रोडक्शन, और हर तीसरे महीने में ये बच्चे फिर दे देते हैं। फिर दे देते हैं जी। और वो 3 महीने के अंदर वो एडल्ट हो जाते हैं, मतलब वो 3 महीने में, वो 4 महीने में वो बच्चा एडल्ट, खाने वाने सब चीज बिल्कुल, खाने पीने के। तो सर आपको तो काफी काफी जगह आपने ये भी बांटे होंगे, फिर लोगों को दिए होंगे? खूब लोग मिलने वाला आता है, शौकीन ले जाता है मुझे। ये क्या प्राइस में आए थे आपके? ये शुरू में तो लेके आया था मैं उदयपुर से, 500 रुपए पर पीस। 500 रुपए पर पीस, वो भी उदयपुर से लेके आए थे? उदयपुर से। अच्छा, वो भी किसी फार्म से ही थे? फार्म से नहीं, वो मार्केट से लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मार्केट से आपने लिया? बिल्कुल। और इसको कितना टाइम हो गया आपने ये फार्म पे रहते हुए? ये तो पिछले 5-6 साल से। 5-6 साल से है, बहुत अच्छी चीज है। हमारे बच्चे भी आते हैं तो घूमते फिरते इनके साथ में, फोटो खींचते हैं, दिन भर यहाँ टहलने आ जाते हैं बच्चे। वो ये होता है ना, क्या है कि अपन शौक से जो जानवर रखते हैं, तो शाम के टाइम अगर आप यहाँ बैठते हैं तो एक माइंड फ्रेश रहता है। बिल्कुल। इनके साथ खेलना वेलना सब चीज, सब बच्चे खूब खेलते हैं, हम भी खेलते हैं दिन में। वो इधर राजहंस आ जाते हैं, इधर खरगोश आ जाते हैं। अच्छा, और इसको वापस आप अंदर डालिए और थोड़ा सा इनको अंदर रखने की वजह एक ही है, नर आपस में ज्यादा ये एग्रेसिव होते हैं, जब लड़ते ज्यादा। अच्छा, ये पूरा सेगमेंट आपने बना रखा है, यहाँ पे जो है ये बतके अंदर चली जाती है? चली जाती है। और ऊपर भी जाती है? ऊपर वाले में चली जाती है, ऑटोमेटिक जाती है, ऑटोमेटिक चली जाती है। अच्छा, उड़ के जाती है ना? उड़ के, यहाँ से उड़ान भरेगी या पहुंच जाएगी? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि राजहंस अभी क्या है कि इतना मतलब कि लोग इसको फार्मिंग पे ले नहीं रहे, और काफी जगह हो रही है लेकिन वो राजस्थान से बाहर हो रही है, बार बार, ठीक है, यहाँ पर नहीं। बिहार में, बंगाल में, इधर ज्यादा, इधर ज्यादा है। और आपने भी कहीं ना कहीं से फर्स्ट टाइम मंगवाया है, तो ये मतलब फर्स्ट टाइम कहाँ से आप? मेरे दोस्त का पेट्रोल पंप है जी। जी जी। उस पेट्रोल पंप पे ये राजहंस आते हैं, तो क्या कि जब दूर से कोई गाड़ी भी आती है ना, तो एक बार वहां से डीजल भरवा के जाती है। अच्छा। तो ये सोचते हैं ना उसी डक वाले पंप पे ही डीजल लेना है। अच्छा, तो इसलिए उसके पास में वो डक भी है। अच्छा। उस वजह से वो उसका डीजल का सेल भी बहुत ज्यादा। अच्छा। तो छोटे बच्चे जिद करता नहीं, उसी पंप से अपने को डीजल, वहीं से आपको भी शौक लगा, वहीं से शौक हमें। तो इसमें एडल्ट का, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे मेल, नर और मादा किस रेट में मिलते हैं, और एडल्ट क्या रेट में रहता है मार्केट प्राइस की? मार्केट में यहाँ तो अपने मुंह मांगे भाव है, बाकी रासवाल की एडल्ट जो है जी, वो लमसम 4000 समथिंग के मिल, समथिंग के मिल जाते हैं। अच्छा, 4000 का एक पीस आएगा? एक पीस आएगा। वो भी क्वालिटी है एक नॉर्मल जो राजहंस जो है व्हाइट में है, व्हाइट ओरिजिनल राजहंस है, उसका तो कीमत डिमांड पे है, डिमांड पे है, जितना है कि भाई 7 में मिल गया, 8 में मिल गया, और मिल गया 5 में भी। अच्छा, बाकी इसमें कुछ कबरे कलर आ जाते हैं ना, उन कबरे कलर की क्या थोड़ा प्राइस कम होता है। और अंडों का आपने वैसे बता ही दिया,
अंडे तो मेरे क्या मिलने वाले आते हैं, किसी को कभी दवा की शिकायत है तो ले जा भैया तेरा काम। अच्छा, वो भी ये चीजें भी यूज में आती है कि दवाइयों के रूप में भी इसको काम में। जो अंडा है ना वो तो दम, जिसको दमा है जी उसके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा, और उनके लिए मैं फिर पैसा नहीं लेता हूँ, किसी से नहीं लेता हूँ। जो अपने मिलने वाला आ गया, अपने फॉर्म पे आ गया जी, मुझे मेरे फादर की तबीयत गड़बड़ है, मेरी मदर को ये बीमारी है, तो मैं ले जा, ये अपनी तरफ से कर रखा है। बिल्कुल, खरगोश पालने के लिए को ले जाता हूँ, उनको फ्री देता हूँ। अच्छा, जो पालने के लिए लेके जाएंगे उनके लिए फ्री है। फ्री। अच्छा, और ये अभी मटन में काम आए जैसे है भी नहीं, ये अंग्रेजी आइटम है, ऐसा आइटम है कि आप यूनिक एक्जोटिक बोलते हैं जिसको। एक्चुअल में ये परिवार का मेंबर, इसको खाने के लिए बेचना करना ये तो बहुत ही गलत काम है। सही बात। और ना हम भी इनको कभी, ना खाने के लिए बाजार में खूब मिलता है ना, मीट मिलता है, बकरे का मिलता है, चिकन मटन सब मिलता है ना। ये तो पोल्ट्री का, जैसे पोल्ट्री बॉयलर होता है उसी तरह का है जी। इसलिए क्या कि इनको कई लोग अपने खरीदते हैं, खाते हैं, लेकिन अपन तो यहाँ से किसी को देते ही नहीं। तो या, ये या फार्म पे कोई रहता है या आप ही मॉर्निंग? नहीं, मैं मॉर्निंग को सवेरे आ जाता हूँ, दिन भर रहता हूँ, फिर शाम को वापस घर चले जाते हैं। व्यूवर्स जो है और वो भी काफी सारे अब ये वीडियो देखने के बाद पालने का या तो शौक रखते हैं या फिर शौक करना चाहेंगे, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको अवेलेबल करवाएंगे ये? बिल्कुल करवाएंगे। यहाँ से पालने के लिए लोग बेचने के लिए भी खूब लेके गए हैं, तो वो उनका कई बार फोन आता है, जब कोई हो तो हमें बताना, जब हमें ये डक देना है, ये पैर देना है, दो पैर देना है जी, उसकी व्यवस्था हम करवा देंगे। वो आप व्यवस्था करवा दोगे? और वो भी किया है कि आप यहाँ पर आइए, नमाज आपने बता दिया है, सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सर से जो है कांटेक्ट करिएगा। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी जी आपने जी बहुत आपका, अच्छे से हमको वो किया है कि एक फार्म के बारे में ये जानकारी दी है। और कुछ भी क्वेरी है गाइस तो आप कमेंट में करिएगा या सर से कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू गंज, थैंक यू।